can understand. In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of an eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. Okay. Now this is a biprism experiment. Okay. So biprism experiment here. This is the biprism used. Instead of the screen used, we are using an eyepiece over here. So eyepiece का meaning screen के बदले eyepiece आया है. So it means the same thing. Screen and eyepiece are the same thing. Okay. So there is a main source, biprism, eyepiece. In a biprism, the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. Slit से 1.2 meter पे eyepiece है. So what does this signify? Please tell me. ये क्या सिग्निफाई करता है? कैपिटल डी. वेरी गुड, कैपिटल डी. प्लीज बी फास्टर, टाइम पास मत करो, थोड़ा सा फास्ट आंसर करते हो. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज सेंट्रल एंड दिस इज 20th ब्राइट बैंड. द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड द 20th ब्राइट बैंड is 0.4 सेंटीमीटर. तो मैं तुमको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो टेल मी विच डिस्टेंस इज 0.4. कैपिटल डी इज 1.2 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर. तो किस डिस्टेंस को 0.24 लिखेंगे? Y 20. What is Y signified? If you remember Young's biprism experiment, what does Y signify? The distance of a bright band from the center bright band, and what does Y dash signify? The distance of the dark band from the central dark band. Okay, so the distance of bright band from the center bright band is 0.4. This distance is known as 0.4. तो y का डिस्टेंस मालूम है 0.4 सेंटीमीटर. फर्दर, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ओके, बिफोर वी स्टार्ट, पहले वाई एन का फॉर्मूला क्या है बताओ. व्हाट इज वाई एन इक्वल टू? या प्लीज, वाई एन का फॉर्मूला क्या है बाइप्रिज्म में? हेलो, यू आर एबल टू हियर एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, तो टेल मी बाइप्रिज्म का फॉर्मूला क्या आता है? एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी. ओके, वेरी गुड. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. सो टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एंथ ब्राइट बैंड? वाई एन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंथ ब्राइट बैंड? नाउ दिस इज बाइप्रिज्म वाला ब्राइट बैंड. टेल मी, करो रिवीजन. ओके, लेट अस पुट अप द वैल्यू हियर. दिस इज 90, 30, डी वन इज 0.9, डी इज माय क्वेश्चन, तो डी क्रॉस हो जाएगा. व्हाट इज डी? 0.9 इनटू 30 अपॉन 90, जीरो गेट्स कैंसिल, 3 3s are 3 3s are. सो व्हाट इज डी इक्वल टू? 0.3 सेंटीमीटर. स्मॉल डी मिल गया, कैपिटल डी, वाई, स्मॉल डी सब मालूम है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज वाई एन इक्वल टू? एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. मेरे को लैम्बडा क्वेश्चन है, सो व्हाट इज लैम्बडा इक्वल टू? वाई एन डी अपॉन एन कैपिटल डी. वाई एन, व्हाट इज वाई एन? वाई एन यानी यहाँ पे कितना है? 0.4. स्मॉल डी, स्मॉल डी 0.3. एन का वैल्यू 20, कैपिटल डी
capital D is 120. Now if I use this relation, I'll get the value for lambda. 4, 3s are 3, 1. So what we get is 1/2 × 10^2. ये दो zeros है और already दो decimal point है. तो दो zero ऊपर जाएगा decimal point के साथ. So this is 10^-2 और ये 10^2 ऊपर गया तो 10^-2 यानी 10^-4 हो गया. 1/2 का मतलब होता है 0.5 × 10^-4 यानी 5 × 10^-5. बट ये जो लैम्बडा है दिस इज इन सेंटीमीटर. तो अपने को 5 × 10^-5 सेंटीमीटर में आया. उधर एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स में लिखा हुआ है इसलिए 5000 एमस्ट्रॉन्ग लिखा है. आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन यू कन्वर्जन. सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 1000 यानी 10^-10^-1 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा. तो 10^-7. ठीक है, नाउ दिस इज इन मीटर. और मीटर टू एमस्ट्रॉन्ग करने के लिए 10^-10 चाहिए. मीटर को एमस्ट्रॉन्ग में करने के लिए 10^-10 चाहिए. ये करने करोगे नहीं चलेगा, तुम्हारा आंसर इधर भी लिखोगे चलेगा. जिस टाइम एक्सप्लेनिंग, अगर इसको एमस्ट्रॉन्ग में करना है तो क्या करना है? एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यानी 10^-10 होता है. मैं इसको 10^-10 करने के लिए यानी -3 करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे +3 करना पड़ेगा. यानी क्या आएगा? 5000 × 10^-10 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. 5000 × 10^-10 ये अभी भी मीटर है. और ये 10^-10 का मीनिंग क्या होता है? 5000 एमस्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का कन्वर्जन नहीं समझा तो भी चलेगा, बट तुमको मेन सिर्फ मीटर का कन्वर्जन समझ लेता है. ठीक है, ओके. तो ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न. इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 mm, स्लिट का विड्थ इज 0.2 mm, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट स्लिट विड्थ? प्रॉन ऑफर में स्लिट विड्थ का मीनिंग क्या होता है? ए. ए का वैल्यू इज 0.2 mm, दैट इज 0.02 cm. ओके, ए का वैल्यू मिल गया. एंड द फर्स्ट मिनिमा इज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. फर्स्ट मिनिमा इज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. फर्स्ट मिनिमा, ये हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न का कर रहे हैं. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द डिफ्रैक्शन पैटर्न. नाउ इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, दीज आर द फर्स्ट मिनिमा. द फर्स्ट मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा. ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है. सॉरी, सेकेंडरी मैक्सिमा है. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट मिनिमा which is at a distance of 5 mm from the central bright band. Central bright band ke 5 mm on either side. So can anyone tell me, ye statement se tumko kya milne wala hai? Quite easy. Dekho, ye first minima hai, which is at a distance of 5 mm from the central maximum. ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस देके रखा है. सो कैन यू टेल मी इससे तुमको कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? स्लिट और लेंस का. किसका? स्लिट से लेके लेंस का. विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, इसका विड्थ नहीं. इसका विड्थ जितना भी होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ उसका डबल होता है. ठीक है, तो इसका विड्थ मिलेगा यानी कितना आएगा? 5 + 5 यानी 10 mm या फिर 1 cm. ओके, नाउ दिस वी फाउंड. फर्दर और क्या देखे रखा है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज 2 m यानी कैपिटल डी भी मालूम है 2 m. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड. ओके, वहां पे डिफ्रैक्शन वाले में तुमने फॉर्मूला लर्न किया था.
Tell me, what is the formula for central bright band? Central bright band is twice the width of this. क्या था formula? Be quick, please. Two lambda. Fast रहो. तुम्हारे पास है ना आप एक mute unmute button ना फटाफट यूज कर सकते हैं, ठीक है? Wrong answer बोलोगे एक बार चलेगा, बट मुंह से कुछ बोलो. आधे जाग रहे, सो रहे, कुछ समझ में नहीं आता है. फ्रस्ट्रेट हो गया ना, मैं सच में लाइव लेक्चर बंद कर दूंगा. फिर बाद में पछता ना, फिर मैं सिर्फ वीडियोस भेजते रहूंगा. एंड रियली डोंट आर्ग्यू विद मी, क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूँ ना, पेरेंट्स को बता चुका हूँ, तुमको भी बता चुका हूँ. आधे बच्चे तो, 6 बच्चे तो अभी लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं, 6 बच्चे तो 15-20 मिनट बाद लेक्चर में आए हुए, वो तो ऊपर से और बेशरम है. यस, द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल स्मॉल डी नहीं, यहाँ पे डिफ्रैक्शन इसलिए ए आया. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैम्डा? लैम्डा क्या हो जाएगा? सेंटर का वेट इनटू ए अपॉन 2 कैपिटल डी. द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1 सेंटीमीटर, यानी 1 वो सेंटीमीटर में ही रखते हैं. ए का वैल्यू 0.022, डिस्टेंस इज 2 मीटर. अभी इसको सबको सेंटीमीटर में कर दो तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर. ये 2 कैंसिल हो गया, वापस एक बार 1/2 आया. 1/2 का मतलब 0.5. 1/2 यानी 0.5. दिस इज 10^-2. ये कैंसिल हो गया ना, ये 10^-2 है और ये 10^-3 है. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10^-5. ठीक है, ये -2 है, ये 3 है, ऊपर गया तो 10^-5. 10^-5 में से 5000 कर दो तो ये हो जाएगा 10^-9. ठीक है, 5000 मत करना पहले, ये ना ये सेंटीमीटर है ना, पहले इसको मीटर में करते. 0.5 × 10^-7 सेंटीमीटर को मीटर में किया तो -7 मीटर. नेक्स्ट डेसिमल निकाल दिया तो 10^-8 मीटर. अगर 10^-8 को माइनस, शांत रहो, म्यूट करेगा प्लीज. अगर इसको 10^-10 करना है तो 2 जीरोस पुट अप करो, यानी क्या आएगा? 500 × 10^-10 मीटर. 10^-10 मीटर यानी 500 एंगस्ट्रॉम. दैट्स योर आंसर. ठीक है, दिस इज लैम्डा. प्लीज चेक इट आंसर. सर, सो दिस इज 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक जीरो ज्यादा ले लिया है तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो ये 5000 एक्स्ट्रा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर. सो कैन यू प्लीज टेल मी, पहला डेटा क्या दिया है? नैनोमीटर यानी 10^-9 मीटर. ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर यानी 546 × 10^-7 सेंटीमीटर. अगर पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करना है, तुम्हारा चॉइस है, तुम इसको पूरा कैलकुलेशन मीटर में भी कर सकते. ओके, थ्रू अ स्लिट ऑफ विथ 0.4 मिलीमीटर. ये डिफ्रैक्शन वाला सम है, सो देयर इज ओनली वन स्लिट. वन स्लिट का डिस्टेंस इज 0.4 मिलीमीटर. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? स्मॉल ए. स्मॉल ए 0.4 मिलीमीटर या फिर 0.04 सेंटीमीटर. द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन अ स्क्रीन विच इज 40 सेंटीमीटर अवे. तुम्हारा जो इंटेंसिटी पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, वो इंटेंसिटी पैटर्न इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर अवे. यानी व्हाट इज दैट 40 सेंटीमीटर? कैपिटल डी. कैपिटल डी. कैपिटल डी. ओके, कैपिटल डी इज 40 सेंटीमीटर अवे. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? तो ये कौन सा वाला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? ये विथ सबका सेम ही है. सेंट्रल बैंड का विथ इज ट्वाइस ऑफ दीज विथ. ये जो विथ आता है ना, इसलिए ये डबल होता है, इसलिए हम लोग डब्ल्यू सी लिखते हैं. ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. नाउ विच डिस्टेंस इज नोन? फर्स्ट मिनिमा. व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट मिनिमा? इन सबको मिनिमाज बोलते हैं. ये सब फर्स्ट मिनिमाज है. ठीक है,
Now please read carefully here. What is the distance between the two first order minima? Yani kaun se distance ki baat ho rahi hai? ये भी डिस्टेंस को फर्स्ट, ये भी मिनिमा ही है, इनको भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ही बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला डिस्टेंस डब्ल्यू इज योर क्वेश्चन. सो नाउ टेल मी व्हाट इज डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए. सो लैम्डा का वैल्यू इज 546 इनटू 10 रेज टू माइनस 7 कैपिटल डी इज 40 and small a is 0.04. First order minima yahi rahega. Sorry for that. 2 lambda. 2 into lambda. Okay? Sir. So, 4 cancel ho gaya. Now multiply this. 6 to 12. 2, 4, 8 plus 1, 9. 2, 5, 10. 1092. Into 10 raised to minus 7, minus 6, and minus 2, or minus 8. This is 10 raised to minus 8. This value koi reh gaya kya? Kuch conversion reh gaya yahan pe? Distance between first order minima mein yahi distance lena. Ye distance mat lena. Yahi distance. Any questions, please ask. Twenty-third sum. Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffracting pattern is observed on the screen 2.5 meters from the slit. So tell me, diffracting pattern is observed at 2.5 meters from the slit. Matlab? Capital D. Capital D. Capital D. Capital D. If the width of the central maximum width of the central maximum is 6 millimeter. यानी कौन सा वाला width मालूम है? W central वाला, यानी WC कितना है? 6 millimeter. What is the slit width if the wavelength is 500 nanometer, 50 micrometer, 0.5 nanometer? So there are different questions asked. तुमको सबका स्लिट विथ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो लेट्स राइट दिस. क्या क्या टर्म्स देके रखा है? सबसे पहले कैपिटल डी दिया है. व्हाट इज कैपिटल डी नोन एज? 2.5 मीटर, यानी 250 सेंटीमीटर. मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ. इफ द विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज नोन एज 6 मिलीमीटर, यानी 0.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 के. व्हाट इज द स्लिट विड्थ इफ लैम्डा 1 इज 500 नैनोमीटर, दिस इज 10 रेज टू माइनस 9 मीटर. दैट इज, अगर ये मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, माइनस 7 सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया है. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी माइनस 7 सेंटीमीटर. लैम्डा 2, व्हाट इज लैम्डा 2 गिवन? 50 माइक्रोमीटर. 50 माइक्रोमीटर यानी 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर. ठीक है चिराग, म्यूट कर, रुक सर म्यूट करो. माइनस 6 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 50 इंटू 10 रेज टू 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 10 रेज टू माइनस 4 सेंटीमीटर.
lambda 3. What is lambda 3 given? 0.500 वापस नैनोमीटर है, तो दैट इज 0.5 × 10⁻⁹ मीटर. वापस सेंटीमीटर में करना है तो 0.5 × 10⁻²² हो जाएगा. मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी प्लस 2 हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर. तो दिस इज लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, सबके लिए ये वैल्यू सेम ही है. सबका ए का वैल्यू, विथ का वैल्यू पूछा हुआ है. ठीक है, तो पहले सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल का विथ क्या है, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल विथ? 2 λ A. व्हाट इज A इक्वल टू? 2 λ D/WC. क्लियर, सेंट्रल का विथ. ओके, सो आई विल बी मार्किंग इट एज A1, तभी लैम्बडा 1 आएगा, बिकॉज बाकी सारे टर्म सेम ही रह रहे. सेम वे आई एम गोइंग टू फाइंड A2, सेम वे आई विल फाइंड A3. ओके, नाउ टू फाइंड A1, लेट अस पुट अप द वैल्यूज. 2, लैम्बडा 1 का वैल्यू इज 500 × 10⁻⁷ कैपिटल डी. कैपिटल डी इज 250. WC इज 0.6. ओके, नाउ दिस फर्दर पार्ट इज सिंपल कैलकुलेशन, बट बिफोर वी गो ऑन, व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि सब में ना सिर्फ लैम्बडा का ये वैल्यू चेंज हो रहा है, 5 तो सबका सेम ही है, सब में 5 है, सिर्फ नोटिस करो ये डेसिमल वैल्यूज ही चेंज हो रहा है. तो तुम्हारे आंसर में कैलकुलेशन बचाने के लिए व्हाट आई विल डू इज, आई विल ओनली कैलकुलेट वन टर्म, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे, बाकी के सब में सिर्फ 10⁻² का कैलकुलेशन अलग कर देंगे, सिर्फ 10⁻² कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि बाकी सब में सिर्फ 10⁻² डेसिमल जो है सिर्फ वही चेंज हो रहा है. सो टू डू दैट, इसको 5 × अरेंज करते, ये 2 जीरोस इसके साथ एडअप करो तो ये हो जाएगा -5. ये 2 जीरो प्लस हो जाएगा ना, ये 1 जीरो इसके साथ एडअप हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁶ हो गया यानी -3. ये डेसिमल इसके साथ एडअप करेंगे तो 5 × 10⁻⁸. सो सब में नोटिस करो, मैंने 5 सेम रखा है, सिर्फ डेसिमल का वैल्यू चेंज किया. तो सिर्फ यहां पर 5 × 10⁻⁵ आएगा. ओके, नाउ ओनली दिस कैलकुलेशन वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. ओके, 5 × 2 = 10. 5 × 2 = 10. 10 × 250 will become 2500. Decimal निकाल दोगे तो 25 × 10⁻². ये देखो, 5 × 2 = 10. 10 × 250 यानी 2500 हो गया. ठीक है, 2500 decimal निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 25/6 × 10⁻². 2 था और एक जीरो ऐड हो गया यानी 10⁻³. मैंने ये 10⁻⁵ ऐसे ही रखा है, मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट कैलकुलेशन में ना सिर्फ 10⁻² वैल्यू ही चेंज होते जाएगा. तो सिर्फ मेरे को इस कैलकुलेशन को, इस वैल्यू को सेपरेट रखना है, बाकी सबको कैलकुलेट कर देने का है. फिर लास्ट में जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा वही नंबर इधर कैलकुलेट होते जाएगा. ठीक है, सो आई एम जस्ट यूजिंग अ ट्रिक सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, बिकॉज इफ यू नोटिस इट, सबके लैम्बडा में से यही एक वैल्यू चेंज हो रहा है. ओके, दिस बिकम्स 6 × 4 = 24, बचा 1, 6 × 1 = 4, 6 × 6 = 4 यानी 6. यानी आंसर क्या आएगा ए का? यस प्लीज, what is the value of A? 4.166 × 10⁻³ और -5 will become 10⁻². मैंने इसको लास्ट में कैलकुलेट किया 10⁻². अब A2 के कैलकुलेशन में सीधा मैं वैल्यूज पुटअप करना है, अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं वैल्यूज नहीं पुटअप कर रहा हूँ, वैल्यूज पुटअप करने का है. ठीक है, पर बाद में आंसर डायरेक्टली लिखने का है. तो कैन यू टेल मी क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये आंसर फिक्स है, 4.166 × 10⁻³, ये वाला वैल्यू फिक्स है. ठीक है,
सिर्फ एक्स्ट्रा कौन सा वैल्यू आएगा, 10^-5 एक्स्ट्रा था, इस बार कौन एक्स्ट्रा आ गया, 10^-3। तो प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया, यानी 4.166 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। ओके ओके, नाउ टेल मी A3 का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला वैल्यू फिक्स आएगा 4.166 × 10^3, ये वाला वैल्यू फिक्स आएगा। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया, -8, तो 4.166 × 10^3 -8 यानी -5 सेंटीमीटर। सो आई जस्ट यूज अ स्मॉल ट्रिक व्हिच इज नॉट नेसेसरी, तुमको मजा आ रहा है कैलकुलेशन पूरा कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में 2 5 10 10 × 2500 250 विल बिकम 2500 upon 0.6 10^-5। मैंने 10^-5 सेपरेटली रखा, अब ये डेसिमल निकाल दिया तो हो गया 25/6 × 10^3 × 10^-5। 25/6 यानी क्या बनता है, 25/6 यानी 4.166 × 10^3, 4.166 × 10^3 ऐसे रहेगा, 10^-5 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो हर एक में 10^-5 एक्स्ट्रा आ गया। वॉट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, यस क्वेश्चन क्या है जरा बताना, एनीवन ठीक से समझो। अच्छा, ये डिफ्रैक्शन का समय, ये पहले समझ में आ जाना है, आ जाएगा। कैसे मालूम पड़ा कि ये डिफ्रैक्शन का समय, सिंगल स्लिट है, दो स्लिट नहीं है, एक सिंगल स्लिट है, दो सेपरेट स्लिट वाला नहीं है, सिंगल स्लिट का है। सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन हो क्या हो गया सम। अच्छा, डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन क्या है, वॉट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विथ, वॉट डू मीन बाई स्लिट विथ, ए ए ए विथ बी, किसके साथ रेशियो चाहिए, वेवलेंथ लैम्डा। दैट इज योर क्वेश्चन। नाउ टू फाइंड दिस वी विल यूज द फॉर्मूला, वी ऑलवेज रिमेंबर दिस, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। हमने डिफ्रैक्शन में स्टार्ट इसी से किया था, इसी फॉर्मूला से स्टार्ट किया था। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमम के लिए, फर्स्ट मिनिमम इसे एन का वैल्यू वन रहेगा, एन का वैल्यू वन रहेगा। ठीक है, ओके, अगर तुम नोटिस करो मेरे को थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मालूम है, बट साइन ऑफ थीटा हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग थीटा ही कंसिडर करेंगे। वाई थीटा कंसिडर करेंगे, इफ यू रिमेंबर वी हैव एक्सप्लेन दिस दैट साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिर्फ थीटा लिया ना, तो दिस हैज टू बी इन रेडियंस, ये रेडियंस में होना जरूरी है। सो व्हाट इज थीटा रेडियन इक्वल टू लैम्डा बाय ए। नाउ थीटा रेडियन मालूम, थीटा का वैल्यू मालूम है कितना है, व्हाट इज थीटा गिवन, 45 डिग्री में लिया है, पर रेडियन में करोगे तो 5/4, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो 5/4, सो थीटा रेडियन यानी क्या आएगा, 5/4 इज लैम्डा बाय ए, पर मेरे को ए बाय लैम्डा चाहिए, सो व्हाट इज ए बाय लैम्डा इक्वल टू 4/5 यानी 4/3.14 जो भी डिवाइड करके आंसर आता है। ठीक है, प्लेन रेफरेंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे। If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeters, it's a very simple sum, वो biprism वाला relation है। सबसे पहले wavelength of light is 5500. Two slits लिखा हुआ है, two slits से समझ में आ जाना चाहिए ये double Young's double by double slit वाला experiment का या फिर biprism का है, Young's double slit यानी biprism, ये उसका formula है। If the total separation of 10 bright fringes, 10 bright fringes का total separation is 2 meter away. 2 meter away यानि कौन सा distance हो गया? Yes, 2 meter away कौन सा distance होता है? If you remember, I told you, yeah, कि बड़ा वाला distance meter में रहेगा वो हमेशा capital D रहेगा. Is 2 centimeter. So 10 bright fringes के बीच का distance is 10 centimeter. ठीक है? 10 bright fringes का distance is 10 centimeter, so एक bright fringe का width will become 10 centimeter by 10, उसके अपने को, sorry,
2 centimeters, sorry for that. 10 bright fringes. 10 bright fringes का distance is 10 centimeters. यानी कि एक bright fringe का distance, 10 bright fringes का distance 2 centimeters. So एक bright fringe का distance, यानी width of a bright fringe. एक bright fringe का distance कितना आएगा? 2/10, यानी कितना हो गया? 0.2 centimeters. So 10 bright fringes का distance is 2 centimeters. So एक bright fringe का distance becomes 0.2 centimeters. ठीक है, 2 meter away, capital D is 2 meter, lambda is known, 5500 × 10⁻¹⁰ meter, या फिर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 5500 × 10⁻², मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 यानी −8 centimeters. ठीक है, नेक्स्ट. Find the distance between the slits. That is small d is your question. So, can you tell me double slit experiment mein width of the fringe ka formula kya hai? Sabka width same hi rehta hai. Diffraction mein na central width double hota hai. Diffraction mein, isme nahi. Isme kuch central ventral ka kuch nahi. Iske andar sabka width same hi rehta hai. Please tell me fast. What is the formula for width? Lambda capital D by small d. A नहीं आएगा, small d आएगा. Okay, मेरे को small d ढूंढना है. तो what is small d? Lambda capital D by width. Lambda is 5500 × 10⁻¹⁸. Capital D is 2 meter. Centimeter में करेंगे तो 200 centimeter. Width is 0.2. Give 2 और ये 2 direct cancel हो गया. Now, यहाँ पे 5.5 लिया है यानी 10⁻³. 5.5 यानी 10⁻³ और −8 becomes 10⁻⁵. 10⁻³ −8 is 10⁻⁵. −5 + 2 is 10⁻³. 10⁻⁲ or +1 will become 10⁻⁴. 5.5 × 10⁻⁴. This is in centimeters. Please check your answer. −3 + 1 कितना हो गया? This is already 10⁻³ और +1 किया तो 10⁻², यानी 0.055 in centimeter. Now, in a Young's double slit experiment, the difference in optical path length between the rays starting from the two slits. Now these are the two slits. This is a screen. The path length, path के length की बात हो रही है. The difference in the optical path length between the rays starting from the two slits S1 and S2 reaching a point A. There is a point A on the screen is 0.075. Can anyone tell me ये क्या दिया हुआ है? Yes, path difference. Nth bright point. Okay. तुमको path difference देके लगा है. Path difference A point का देके लगा है. 0.0075. ठीक है? कैसे मालूम पड़ा? The difference in the optical path length. Optical path length यानी path difference. Is from S1 and S2 is 0.0075. And reaching another point B on the screen, on the other side, ये central है, on the other side, ठीक है? Of the central fringe is 0.0015 millimeter. This is on one side, this is on another side. Other side पे path difference is known as 0.0015. This is another point. Path difference at B is 0.0015.
If the wavelength of the light is known, 6,000 angstrom units, yani 6,000 into 10 raised to minus 10 meter, या फिर 6,000 into 10 raised to, meter को centimeter में करने के लिए 100 से multiply, यानि minus 8 centimeter, okay? Okay, now tell me, हम लोग इसको solve कैसे करें? Part difference मालूम है ना? Okay, if you remember, part difference का lambda के साथ क्या relation था? N lambda. अभी ये पार्ट डिफरेंस वर्ड लिखने के बदले मैं डेल्टा एल ए लिखता हूँ और डेल्टा एल वी लिखता हूँ, ठीक है, या डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, वो चॉइस तुम्हारा है। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा फॉर ब्राइट पॉइंट, याद है, एंड पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा फॉर डार्क पॉइंट। Are you clear with this? Problem क्या है मालूम है? ये A point bright है कि dark है वो मुझे मालूम ही नहीं है। ये point bright है कि dark है वो पता ही नहीं है। तो मेरा confusion है कि ये value bright है कि dark है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है? ये याद रखना, ये सम सिर्फ तुम्हारे 12th standard के लिए important नहीं है। ये सम MCQs के लिए भी equally important है। कम से कम इसके related 4-5 questions अभी जो टेस्ट होते हैं ना उसके अंदर आएंगे। बोर्ड मतलब वो बाहर के एग्जाम में देयर कैन बी ओनली वन क्वेश्चन, बट ऐसे वाले एग्जाम में जो हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं उसमें एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन ऐसे वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये सब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन 12 बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज ये एमसीक्यूज एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। माई प्रॉब्लम इज आई डोंट नो वेदर दिस इज अ ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट, ये नहीं मालूम ये क्या है। उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट पॉइंट एंड डार्क पॉइंट इन बिटवीन देम, फाइंड आउट हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट आर देयर इन बिटवीन देम। तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि ये ब्राइट है ये डार्क है, ये ब्राइट है ये डार्क है, वो पता करना पड़ेगा। सो हाउ विल आई फाइंड इट आउट? एंड टू फाइंड दिस आई विल कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, क्योंकि मेरे को पार्ट डिफरेंस तो मालूम है, मेरे को लैम्डा भी मालूम है, मेरे को पार्ट डिफरेंस मालूम है और मेरे को लैम्डा का वैल्यू मालूम है। तो बिकॉज आई नो दिस आई कैन फाइंड दिस, पर पता कैसे चलेगा ये वाला यूज करना है कि ये वाला यूज करना है? पता कैसे चलने वाला है कि ये फॉर्मूला यूज करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है? ये ट्रबल हटाने के लिए अपन एक्स लैम्डा लेते हैं, हम लोग एक्स ढूंढते हैं। समझो एक्स का वैल्यू नंबर आया तो ब्राइट पॉइंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, कॉन्सेंट्रेट हियर। अगर एक्स का वैल्यू नंबर आया, नंबर यानी एक्स का वैल्यू 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया, मतलब ब्राइट पॉइंट। पर अगर एक्स का वैल्यू डेसिमल में आया 3.5 4.5 5.5, माइनस हाफ के करने से हो रहा है, तो ये डार्क पॉइंट। सो द टेक्निक गोज, हमको पहले ये फाइंड आउट करने का पड़ेगा कि ये ब्राइट है कि डार्क है, ये ब्राइट है कि डार्क है। एक बार ये पता चल गया कि ये ब्राइट है कि डार्क है, तो इसके बीच के जितने भी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स हैं, वी कैन फाइंड दैट। दैट इज द टेक्निक वी आर यूजिंग विद दिस सम, एंड दैट्स द रीजन आई सेड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम है? एमसीक्यूज में पार्ट डिफरेंस इज गिवन, पार्ट डिफरेंस देके रखा है, ठीक है। अब वो पार्ट डिफरेंस में तुमको फाइंड आउट करना है ये ब्राइट है कि डार्क है, बस इतना ही करना है। तो तुमको ये एक्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सो वंस अगेन पहले एक्स ए ढूंढते हैं। तो व्हाट इज एक्स ए इक्वल टू? डेल्टा एल ए पार्ट लेंथ, पार्ट डिफरेंस। व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू? डेल्टा एल अपॉन लैम्डा, नाउ आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला। सो व्हाट इज एक्स ए इक्वल टू? पार्ट डिफरेंस फॉर ए पॉइंट एंड लैम्डा। पार्ट डिफरेंस पॉइंट फॉर ए पॉइंट इज 0.0075, लैम्डा का वैल्यू इज 6000 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 6 1 6 2 12, बचा 3 डेसिमल 65, यानी ये हो गया 12.5 इंटू 10 रेस। नाउ ये 4 प्लेसेस बिफोर डेसिमल था, ये 4 ये डेसिमल हमने बाद में डाला है।
This is four places before decimal. This is minus 8 plus 3, yani minus. This is minus 8 and plus 3 becomes minus 5. ये minus 5 ऊपर जाएगा तो plus 5. ठीक है? इसको थोड़ा simplify करते हैं. वापस ही बनता है. एक और एक चीज ध्यान देना, ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक और जीरो ऐड हो जाएगा. लैम्डा इज 6000 इनटू 10 रेज टू माइनस 8, सो दिस इज 5 प्लेस बिफोर डेसिमल पॉइंट. तो ये 75 हो गया, ये 6 हो गया. अभी पहले मैं 10 रेज टू कैलकुलेशन करता हूं. माइनस 8, दिस इज माइनस 8 प्लस 3 विल बिकम माइनस 5. दिस बिकम्स 10 रेज टू माइनस 5. This is 5 place before decimal point, and 10 raised to minus 5. इसका 10 raised to minus 5, इसके 10 raised to minus 5 को cancel. यानि कोई number बचेगा ही नहीं 10 raised. Simply 75 by 6. 75 by 6 यानि कितना आया था? 12.5. Now tell me, XA, जो N की value होती है ना, XA का value 12.5 है. So first you decide, MCQ पे question ऐसा आएगा, is this a bright point or a dark point? तो मैं मेरा answer क्या रहा? What is this? Dark point. Okay. Therefore, A is a dark point. Okay. अब कौन सा वाला dark point? वो dark कौन सा वाला dark point? ये N से पता चलेगा. ये N बताएगा कि कौन सा वाला. क्योंकि dark point है, तो N minus half. ये जो x है ना, ये x value यानी N minus half हो गया. अगर bright होता तो x का value N होता था. डार्क है इसलिए ये वैल्यू n माइनस हाफ से इक्वेट करो, यानी n माइनस हाफ इज 12.5. हाफ इधर गया, प्लस हाफ हो गया, तो n का वैल्यू क्या आएगा? 13. यानी a इज माय, व्हाट इज a? डार्क पॉइंट तो समझ में आ गया, बट a इज द कौन सा वाला डार्क पॉइंट? 13. हाँ, 13 डार्क बैंड या फिर डार्क पॉइंट. इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये फिर भी नहीं समझा, अपन वापस एक बार दूसरा स्टेप से लेते बी से. सो पाथ डिफरेंस इज n टाइम्स लैम्डा. सो व्हाट इज दैट? n के बदले x लिया, सो व्हाट इज दैट? x इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ऑफ b अपॉन लैम्डा. व्हाट इज पाथ डिफरेंस ऑफ b? वापस एक बार ये मिलीमीटर में है, याद रखना, इसको सेंटीमीटर में करना है. अपॉन लैम्डा का वैल्यू इज 6000 into 10 raised to minus 8. Okay. Now once again, ये 10 raised to minus 5 है, plus 3 और minus है ना, 10 raised to minus 5. दोनों का 10 raised to minus 5 cancel. यानी क्या बचेगा? सिर्फ 15 upon 6. सिर्फ 15 upon 6 बचा. ठीक है? Now 15 upon 6 का calculation करो. 6 one जा, 6 two जा, 12. 2.5. वापस एक बार 2.5 आया. x का वैल्यू 2.5 आया, तो ब्राइट पॉइंट बना कि डार्क पॉइंट बना? डार्क पॉइंट. अगर 2 बनता, x का वैल्यू अगर 2 होता तो ब्राइट पॉइंट बनता, बट x का वैल्यू 2.5 बना, ये हाफ के कारण ऐसा बनता है. ठीक है? तो इट इज अ डार्क पॉइंट. तो अपने को ये तो समझ में आ गया डार्क पॉइंट है. तो इक्वेट किससे करोगे? x का वैल्यू n से इक्वेट करोगे कि x वैल्यू का वैल्यू n माइनस हाफ से इक्वेट करोगे? क्योंकि डार्क पॉइंट है तो n माइनस हाफ से इक्वेट करेंगे. यानी व्हाट इज n माइनस हाफ इक्वल टू 2.5. हाफ यानी 0.5 होता है. हाफ मतलब 0.5 इधर जाएगा, प्लस 0.5. तो व्हाट इज योर n वैल्यू? 2.5 प्लस 0.5 यानी 3. सो व्हाट इज माय b वैल्यू? b इज अ थर्ड डार्क पॉइंट. यहां तक क्लियर हुआ? यस यस सर. अभी अपना सम खत्म नहीं हुआ. अच्छा, तुमको सम क्या क्या आ सकता है? बहुत सारे अलग पैटर्न में सम आ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले तुमको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इज दिस अ डार्क पॉइंट? तुमको ना क्वेश्चन दिया रहेगा, पार्ट डिफरेंस इज दिस, लैम्डा इज नोन, फाइंड आउट वेदर इट इज अ ब्राइट पॉइंट और अ डार्क पॉइंट. फिर इतना ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में. तो तुमको यही कैलकुलेशन करना है. डेसिमल में आया तो तुमको सिर्फ इतना लिखना है डार्क पॉइंट है, और एमसीक्यू में है तो सिर्फ रफ कैलकुलेशन करना है. बाकी 10 रेज़ टू का कैलकुलेशन छोड़ दो ना, 75 अपॉन 6 करो, जो आंसर आएगा दैट इज माई डार्क पॉइंट और ब्राइट पॉइंट. बस इतना ही लिखना है. तो तुमको क्वेश्चन आएगा डार्क पॉइंट है कि ब्राइट पॉइंट, या फिर क्वेश्चन आएगा विच डार्क पॉइंट और विच ब्राइट पॉइंट.
या फिर क्वेश्चन आएगा पार्ट डिफरेंस इज नोन एज 0.5 लैम्डा, ऐसे ही दिया 0.5 लैम्डा. नाउ टेल मी इज दिस अ ब्राइट पॉइंट और अ डार्क पॉइंट. डायरेक्टली 0.5 डेसिमल पहले से दिया है, डार्क पॉइंट समझा, विच डार्क पॉइंट. तो तुमको वो कैलकुलेशन करो, एन माइनस हाफ इज इक्वल टू 0.5 करो, एन का वैल्यू 1 आएगा, फर्स्ट डार्क पॉइंट. समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है एमसीक्यू से रिलेटेड, ठीक है, इवन टेक्स्ट के बोर्ड एग्जाम रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, पर एमसीक्यू रिलेटेड ये बहुत ज्यादा है. इसके रिलेटेड चार पांच सब फिक्स है टेस्ट में, ठीक है. ओके, अभी मेन क्वेश्चन अभी भी बाकी है. मेरे पास जगह नहीं है तो बीच में लिख रहा हूं. तुम्हारा मेन क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट बिटवीन 13th डार्क पॉइंट, 13th डार्क बैंड एंड 3rd डार्क बैंड. ओके, नाउ ये सेंट्रल है, ये 13th है, ये 3rd. नाउ 13th डार्क बैंड एंड 3rd डार्क बैंड ऑन द अदर साइड, ये बीच का बैंड पूछा है, ठीक है. अब यही एमसीक्यू क्वेश्चन कन्वर्ट होएगा, इधर ऐसा भी हो सकता है, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑन द सेम साइड. मतलब अपन ने अपोजिट साइड वाला किया ना, यही क्वेश्चन चेंज करके ऑन द सेम साइड भी आ सकता है एमसीक्यू के लिए, वो बाद में देखते हैं, पहले ये बता देते हैं. दिस इज 13th डार्क बैंड. तो 13th डार्क बैंड और सेंट्रल डार्क बैंड के बीच में कितने डार्क बैंड रहेंगे? सिंपल है, 13th डार्क बैंड और सेंट्रल डार्क बैंड के बीच में हाउ मेनी डार्क बैंड आर देयर, बोलो जल्दी कितना रहेगा? 13th डार्क बैंड है ना, और सेंट्रल डार्क बैंड के बीच में कितने डार्क बैंड होंगे? 13 के पहले 12 ही आता है, 12 के पहले 11 ही आता है. तो कैन यू प्लीज यूज योर बेसिक जनरल नॉलेज एंड टेल मी 13 डार्क बैंड एंड सेंट्रल डार्क बैंड के बीच में, सेंट्रल ब्राइट बैंड के बीच में हाउ मेनी डार्क बैंड आर देयर? 12 डार्क बैंड. इतना चीज बोलने के लिए इतना टाइम लगता है. ऑन दी अदर साइड थर्ड डार्क बैंड और सेंट्रल ब्राइट बैंड के बीच में हाउ मेनी डार्क बैंड आर देयर? टू. टोटल नंबर ऑफ डार्क बैंड इज 13 के पहले और 12 के पहले, दैट इज सॉरी 3 के पहले 12 प्लस 2 यानी 14 डार्क बैंड आर देयर. दैट्स माय आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर. टोटल ब्राइट बैंड, ओके, 13th डार्क से पहले 12th ब्राइट बैंड ही रहेगा. 13th ब्राइट डार्क बैंड से पहले, क्योंकि देखो पहले तुम्हारा सेंट्रल होता है, फिर होता है फर्स्ट डार्क बैंड. तो शुरुआत फर्स्ट डार्क बैंड से ही हो रही है, तो तुम्हारा 13th डार्क बैंड से पहले 12th ब्राइट बैंड ही रहेगा. 13th ब्राइट बैंड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. ब्राइट बैंड 13th डार्क बैंड ऐसा नहीं है. फर्स्ट डार्क बैंड सेंट्रल वाला अलग रखते हैं, सेंट्रल हमेशा अलग रहता है, ठीक है. तो सेंट्रल हमेशा अलग है, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है? फर्स्ट डार्क बैंड, क्योंकि सेंट्रल वाले के पहले सेंट्रल को अलग रखना है. फर्स्ट डार्क बैंड फिर ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर ब्राइट बैंड ऐसा रहेगा, ठीक है. तो 13th डार्क बैंड से पहले बिटवीन पूछा है, इसलिए पहले विच ब्राइट बैंड विल बी देयर? 13th डार्क, ये 13th है ना, 13th डार्क बैंड से पहले कौन सा वाला ब्राइट बैंड रहेगा? 13th ब्राइट बैंड रहेगा या 12th ब्राइट बैंड रहेगा? 12th ब्राइट. ओके, तो वैसे ही 3rd डार्क बैंड से पहले कौन सा वाला ब्राइट बैंड रहेगा? सेकंड ब्राइट बैंड रहेगा. बट एक और एक ब्राइट बैंड है जिधर से अपन ने काउंटिंग जिसको अपने एक्सक्लूड किया था, उसको अपने काउंटिंग में नहीं किया था, वो कौन सा ब्राइट बैंड है? सेंट्रल. सेंट्रल. टोटल कितने ब्राइट बैंड हो गए? 15 ब्राइट, ठीक है. अब यही क्वेश्चन को अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्विस्ट किया, या फिर 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैंने ये ऑन दी अपोजिट साइड के बदले सेम साइड ले लिया, ठीक है. तो 13 से पहले 12 डार्क बैंड थे, 3rd से पहले 2 डार्क बैंड थे, ऐड करने के बदले सब्रैक्ट करो, ऐड करने के बदले सब्रैक्ट करो. तो 12 माइनस 2 बिटवीन, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है जिसको नहीं समझा, हमने ये वाला समझे ना, 13th ब्राइट डार्क बैंड ऊपर आया है, सेकेंड डार्क बैंड नीचे, उन्होंने क्या बोला? ए पॉइंट ऊपर है, बी ऑन दी अदर साइड बोला है, बी इज ऑन दी अदर साइड बोला. अगर वो अदर साइड के बदले वर्ड क्वेश्चन में यूज किया
both the bags A and B are found on the same side. Other side के बदले same side word use किया, तो B point इधर नहीं, B point इधर आएगा. So now tell me, A, 13th dark band के पहले 12 थे, third dark band के पहले 2 dark bands है, तो A और B के बीच में कितने dark bands हो गए? तो add नहीं करना है, क्या करना है? Simple क्या करोगे? Procedure वही रहेगा, subtract करोगे. Total bright bands पूछेंगे, तो वापस add नहीं करना है, क्या करोगे? Subtract, और पर plus one भी नहीं करोगे. प्लस वन भी नहीं आएगा, तुमको सीधा सबट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि सेंट्रल वाला तो एक्सक्लूड हो गया ना, वैसे भी सेंट्रल वाला तो काउंट वैसे भी रहेगा. लास्ट टाइम ऑन द अदर साइड था तभी सेंट्रल काउंट हुआ, ऑन द सेम साइड रहेगा तो सेंट्रल काउंट नहीं होगा. इज दिस पार्ट क्लियर? फिट. नेक्स्ट, पार्ट डिफरेंस डायरेक्टली देखे रखा है 0.5 लैम्ब्डा, ठीक है, ऐसा कुछ डायरेक्टली देखे रखा है, या फिर पार्ट डिफरेंस इज गिवन एज 913/2 लैम्ब्डा. तो इसको सॉल्व करो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हारा डार्क बैंड है कि ब्राइट बैंड है, ठीक है. तुमको इस नंबर पे ध्यान देने का, इस नंबर से, ये वाले सम बहुत फेवरेट सम थे बोर्ड के लिए, इस नंबर पे ध्यान देना, ये जो एक्स लिखा है ना अपन, ये नंबर पे ध्यान देना, ये नंबर सीधा नंबर बन रहा है या डेसिमल बन रहा है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, तुम्हारा पूरा फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है. ये पार्ट डिफरेंस वाला सम बेटर